प्रताप पाटलकर। आपका कुछ और जो जवाब दिया है डांडा जी, अध्यक्ष महोदय जी, जुड़ा क्षेत्र में वैसे तो एनसीआर में आता है, अगर विकास के लिए कुछ बात की जाए तो वहाँ कुछ भी विकास नहीं है, नहीं तो वहाँ खेती बाड़ी को हालात भी बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय जी, अधिकतर इलाका तो सूखे में ही जल रहा है, एरिया की सेम बहुत ही ज्यादा एरिया में बहुत ही सेम है, कोई बेरोजगार है, कोई फैक्ट्री है, कोई ऐसा नहीं, नौजवान साथी सारे बेरोजगार फिरने लगे। अध्यक्ष महोदय, मैं देख की बात करना चाहूंगा वहां कोई उद्योगिक क्षेत्र लगा जाए। माननीय विधायक ने तो बात रखी है, जुलाना के शादीपुर के अंदर उद्योग कुंज योजना के माध्यम से 13 उद्योग कुंज स्थापित पूरे जो हरियाणा में किए जा रहे हैं उसमें एक शादीपुर के अंदर है, जिसके अंदर 27 छोटे एमएसएमई डेवलप हो चुके हैं, 8 इम्प्लीमेंटेशन में है और 14 प्लॉट अभी वहां खाली है, और आने वाले भविष्य में जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आएगी उनके माध्यम से इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। उसके साथ साथ क्योंकि जींद जिला हमारे अमृतसर, कलकत्ता और मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, इसके अंदर भी एचएसआईडी द्वारा जींद में भी नरवाणा के अंदर आगे उद्योग लगाने के लिए व्यवस्था बनाई है। श्री कुलदीप जी, 189 लेड ऑन द टेबल, आपका कोई सप्लीमेंट्री? बिल्कुल। अरे माननीय श्री जी की रैली हुई थी, जोटा रैली के नाम लेकर, मोटा जोटा रैली, उसमें 2016 के अंदर बादली को सब डिवीजन बनाया गया था। 4 साल बीत गए, जो एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर बोरे चे एसडीएम ऑफिस है, तहसील है, डीएसपी ऑफिस है, सार और वो जर्जर हालत में है, 4 साल बीत जाने के बाद आज तक वहां एक ईंट नहीं लगी है, जिसके लिए हमारे जो मोहम्मदपुर माजरा गांव 45 कनाल 18 मरला जो जमीन है, भूमि है, वो इनको दी हुई है। आज तक मैं पूछना चाहता हूं 4.5 साल के बीत जाने के बाद भी वो बिल्डिंग क्यों नहीं बनी है, इसका क्या कारण है, क्यों, क्या इनकी नीति में खोट है या नियत में खोट है, मैं एक तो ये मैं पूछना चाह रहा था। दूसरा मेरा, चलो इसी प्रश्न पे है, हमारे परिवहन मंत्री जी बैठे हैं, बस स्टैंड की जगह भी दी हुई है, वो बस स्टैंड भी नहीं बना है अब तक। नहीं, ये इसके ऊपर क्या है कोई, जो आपने उपमंडल भवन का निर्माण के बारे में पहले उनका जवाब दे देना। हाँ, दे दो। अध्यक्ष जी, माननीय विधायक ने सवाल रखा है कि उपमंडल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, मैं इनको बताना चाहूंगा कि 4 एकड़ जमीन हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है कोई भी उपमंडल बनाने के लिए, उसके अंदर उससे फालतू जमीन की व्यवस्था वहां से डिप्टी कमिश्नर ने भेजी थी, क्योंकि नॉर्म स्पेसिफिकली 4 एकड़ कहते थे, हमने उस पर पिछले दिनों निर्णय भी ले लिया है कि उस नॉर्म्स के अंदर 4 एकड़ से ज्यादा भी व्यवस्था कोई लैंड की हमें देगा उपमंडल बनाने के लिए जहां जहां बनने हैं, और आप वाले का भी मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि अगले 3 महीनों के अंदर उसका हम अपनी ओर से कार्रवाई शुरू करते हैं। इसलिए मैंने आपसे बताया जमीन पहले दे चुके हैं, 45 कनाल और 18 मरले जमीन, तो हम ये चाहते हैं, बादली की जनता ये चाहती है कि वो एक जगह ही बने। आपने वीडियो ब्लॉग कहीं बना रहे हो, तहसील कहीं बना रहे हो, तो हमारी सबकी, मेरे इलाके की भी ये मांग है कि भाई ये एक ही छत के नीचे हो, और इसके लिए जगह हमने उपलब्ध करा रखी है, और 45 कनाल जमीन कोई थोड़ी नहीं होती, तो इसका मैं आपका स्वागत करूंगा कि जल्दी जल्दी इसका काम शुरू करवाया जाए। और द कला इज पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ बहादुर तहसील एज ऑन डेट। स्पीकर सर, 2017 में बहादुर तहसील से निकाल के बादली में इसको डाल दिया गया था, और डाबोदा कला और मेहंदीपुर ये दो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के आखिरी गांव हैं, और इसका बादली स्टार्ट हो जाती है। अब डाबोदा कला से डाबोदा खुर जो है पैदल 3.5 किलोमीटर पैदल चल के तब बस या कोई ट्रांसपोर्ट मिलती है किसानों को और वहां के निवासियों को, और 17 किलोमीटर पड़ता है, जबकि
बहादुरगढ़ पड़ता है, तो मैं डिप्टी सीएम साहब से विनती करूंगा कि इसको वापस बहादुरगढ़ तहसील में डाल दें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने जो बात रखी है मैं इनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब सब डिवीजन से तहसील बनी थी और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, मिनिमम जो क्राइटेरिया था 45 गांव के माध्यम से आप उसको डिवाइड कर सकते थे, मगर आपके सब डिवीजन के केस के अंदर 39 विलेजेस को लिया गया जिसके अंदर जो गांव आपने नेम करे वो रेवेन्यू के हिसाब से अभी भी बहादुरगढ़ से अटैच्ड है। जो मेरे संज्ञान में मामला आया था कि जो कागजी कार्रवाई है उसको शिफ्ट कर दिया गया था, वो हमने डायरेक्शन दे दी है कि उनको बहादुरगढ़ शिफ्ट कर दिया जाए। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर आज भी बहादुरगढ़ का हिस्सा ही वो प्रस्तावित गांव है। डिप्टी सीएम साहब, लेकिन जो लोग हैं वहां से जो बादली जाते हैं, जो तकलीफ उठानी पड़ती है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो बादली बजाय उनके जो भी काम है वो बहादुरगढ़ में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि बहादुरगढ़ में उनके काम हो जाए, ना कि बादली जाना पड़े। मैं माननीय विधायक को दोबारा वही बताना चाहूंगा कि 39 विलेजेस को ही हमने बादली में अटैच किया था। आपके जो 6 गांव जिनके अंदर से 2 गांव के नाम आपने लिए हैं वो अभी बादली के साथ अटैच नहीं है, वो बहादुरगढ़ के साथ अटैच है, मगर वहां लोकली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा कार्रवाई उनकी बादली के अंदर करी जा रही है, उसके ऑलरेडी हमने डायरेक्शन कन्वे कर दी कि उनको बहादुरगढ़ शिफ्ट किया। 96 आंसर ऑन द टेबल सर, पढ़ दो आप जरा, कोई बात नहीं। माननीय विधायक ने एक सवाल पूछा था गौड़ ब्राह्मण सोसाइटी रोहतक के बारे में, पिछले 5 साल तक उसमें एडमिनिस्ट्रेटर रहे अलग अलग लेवल के अधिकारी, उसके बाद एजी की एडवाइस पर, क्योंकि 3 सबजूडियस मैटर थे, श्रीमती संजू शर्मा वर्सेज गौड़ ब्राह्मण विद्या सभा, विमला शर्मा वर्सेज और कमल शर्मा वर्सेज, तीनों का रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी द्वारा निर्णय आ चुका है अध्यक्ष जी, और उसके बाद 4 फरवरी 2020 को इस सोसाइटी के अंदर 76,081 मेंबर्स को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी हम एडवर्टाइजमेंट जल्द ही एक अखबार में निकालकर और चुनावी प्रक्रिया को आगे ले जाने का काम करें। सबसे पहले तो मंत्री जी को डिपार्टमेंट ने गलत फीड किया हुआ है। सरकार डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को पनपना नहीं देना चाहती। 5 साल से एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर मुकर्रर है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कानून के मुताबिक 5 साल से फालतू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं हो सकता, किस कैपेसिटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर है? उसके बाद स्पीकर सर लिखा है, इसके बाद एज पर प्रोविजन द सेक्शन 68 ऑफ द एक्ट, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर शेल नॉट एक्सीड 5 ईयर्स इन कंटिन्यूइंग, बट सेक्शन 69 प्रोवाइड दैट इफ इट इज नॉट फिजिबल टू होल्ड द इलेक्शन ऑफ द गवर्निंग बॉडी फॉर व्हाट्स एवर रीजन इट शेल बी कॉम्पिटेंट फॉर द गवर्नमेंट टू डिजॉल्व द सोसाइटी। डिजॉल्व कर दो, दिस इज नॉट ए रिप्लाई इन द बिफोर द हाउस। सो फॉर एज लिटिगेशन इन द हाईकोर्ट इज कंसर्न, देर इज नो स्टे ऑर्डर दैट देर कैन नॉट बी एनी इलेक्शन देर कैनेट, और उसके बाद लिटिगेशन 10 साल चलती रहेगी। क्या सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेटर बिठा के और सब कुछ सोसाइटी को चलाती रहेगी? अगर आपको लगता है कि हम नहीं रन कर सकते तो उसको सोसाइटी को डिजॉल्व कर दो। उसके बाद एक और सवाल इस बात का मुझे जवाब चाहिए, इस बात के लिए कि आपने, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था, आपने 2014 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था, 2020 आने वाला है, इन विच कैपेसिटी यू आर जस्टिफाइंग इट, इन हाउ इट इज जस्टिफाइड कि आप एक सोसाइटी का चुनाव नहीं करवा रहे? इस बात का जवाब चाहिए। सेकंड सप्लीमेंट्री बाद में पूछूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक खुद एक वकील भी है और उनने जो बात रखी कि इसको डिजॉल्व कर, एक ऐतिहासिक सामाजिक सोसाइटी है और मुझे लगता है कि हमारी आज जिम्मेवारी बनती है कि इन ऐतिहासिक संस्थाओं को हम और स्ट्रेंथन करें। जहां ये कह रहे हैं किस कैपेसिटी में, अंडर द सोसाइटी एक्ट एडमिनिस्ट्रेटर 1 साल के लिए एक्सटेंशन की पावर है, 5 साल के नॉट एक्सीडिंग फाइव ईयर्स। जब आपका मामला माननीय हाईकोर्ट के अंदर, फिर क्या हो गया हाईकोर्ट में? तो हाईकोर्ट में मैं लिटिगेशन कर, माननीय सदस्यगण चुनाव नहीं कराएंगे क्या? अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। डिसोबिंग लॉ, दिस इज ए डिसोबिंग लॉ, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एंड देयर इज ए प्रिविलेज ऑफ इंप्रिजनमेंट ऑल्सो।
दिस इज 166 ऑफ द आईपीसी। इसने तो कभी आप सरकार चलेगी नहीं, इसने तो कोई कानून का पालन ही नहीं करेगा किसी हालत में। ये कानून है, कानून का जब पालन नहीं करते तो 166 के अंदर आप एफ आई आर दर्ज कराइए कि एयरिंग ऑफिशियल कौन है वहां पर और वाई इलेक्शन इज नॉट बीइंग हेल्ड। दैट्स ऑल सर। मैं चाहूंगा माननीय विधायक जो कानून की संख्या बता रहे हैं मेरे को उसकी कॉपी जरूर दे, और कोई भी एयरिंग ऑफिशियल है जो एयरिंग ऑफिशियल है वहां पर उसकी डिटेल दे, संबंधित कार्रवाई जरूर। धन्यवाद। यस सर, जवाब आया है कि सरकार प्रयास कर रही है और गौशालाओं में गायें बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सर, मेरा निवेदन यह है कि ये गंभीर समस्या है और 20-20, 30-30 गांव के झुंड एक बार खेत में घुसते हैं। इसको सिर्फ प्रश्न नहीं पूछे जी सर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर? सर मैं क्वेश्चन यही है कि जो बताया जवाब दिया है कि सरकार प्रबंध कर रही है, मैं कह रहा हूं कि उस प्रबंध काफी नहीं है। सरकार जो वहां गायें हैं ओपन 50-50 गायों के झुंड घूम रहे हैं और जमींदारों की फसलें बर्बाद कर रही है, मेरा कहना यह। तो इस पे मंत्री जी जरा बताएं कि सर मैं तो इतना कहता हूं, इतना आश्वासन चाहता हूं मंत्री जी से कि वो ये बता दें कि कम से कम रबी की फसल जब तक कटाई ना हो तब तक महेंद्रगढ़ जिले की सारी गायों को गौशाला में भिजवा दें, मैं आल बी सेटिस्फाइड। माननीय सदस्य ने सवाल पूछा, प्रदेश के अंदर 538 गौशाला है जिसमें 4 लाख से अधिक गोवंश है और उसके अंदर या पंचायती राज विभाग अपनी ओर से ग्राम पंचायतों को अधिकार देता है जिसके अंदर योजना बनाएगी 5100-5100 रुपए के हिसाब से सरकार पैसे देगी। वही म्युनिसिपल कमेटी ने भी, कॉरपोरेशन ने भी अपनी ओर से रोहतक के अंदर 7.5 एकड़ में, हिसार में 12.5 एकड़ में, सिरसा में 47 कनाल में और गुड़गांव में 2 गौशाला है लगभग 12 एकड़ ये खोली। और ये एक मैं कह सकता हूं सामाजिक तौर पर बहुत जरूरी चीज है कि हम गौ सेवा के अंदर पूरी तौर पर अपने आप को समर्पित करें। सरकार ने उसके ऊपर पहले ही एक योजना बना रखी है पंचायती राज विभाग द्वारा, मगर उसके साथ साथ जो माननीय सदस्य का सवाल है उसके ऊपर ये और जानकारी मैं इनको देना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से पशु मेले प्रदेश के अंदर बंद, और अभी भी 30 ऐसी निर्धारित जगह है जिनमें 300 से अधिक पशु मेले प्रदेश में लगते हैं। अगर आने वाले समय में कोई प्रस्ताव किसी भी ब्लॉक से आएगा कि वहां पर पशु मेले लगाने की अनुमति दी जाए तो विभाग जरूर